Guys, all of us know Tata Motors is the leader in the electric vehicle market in India, and already they have sold 10,000 electric vehicles. But abhi jo news aaya hai wo sabse important hai, because Tata has formed their subsidiary called as Tata Passenger Electric Mobility, that is TPEML, and under this they have share capital of 700 crores, guys. So abhi पूरा इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो डिवीजन है वो अलग हो गया है, वो टाटा के अंदर ही काम करेगा, बट TPEML इस नाम से उसको जाना जाएगा. उनका टारगेट है कि वो 10 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करेंगे बाय 2026, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होगी डिफरेंट प्राइस रेंज की और डिफरेंट क्या बोल सकता हूं मैं कैपेसिटीज की, डिफरेंट रेंज की और डिफरेंट प्राइजेस की. तो गाइस ये बहुत अच्छा मूव है टाटा मोटर्स का कंसीडरिंग द इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट इन इंडिया. इफ यू सी राइट नाउ 71% जो मार्केट शेयर है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इंडिया में वो टाटा मोटर्स होल्ड करता है, और उनका टारगेट है कि वो 1000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेचे पर मंथ. गाइज ये बहुत ही बड़ा नंबर है, बट टाटा जैसी कंपनी ये बिल्कुल अचीव करेगी, बिकॉज उनके पास ऑलरेडी टाटा नेक्सॉन का एक्सपीरियंस है, टाटा टिगोर है, और बहुत सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उनकी आ रही है. सो उन्होंने 2021 ये जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें 500 करोड़ से 600 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया गाइज बाय सेलिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एंड ऑलरेडी दे हैव सोल्ड 10,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. सो गाइज ये अपडेट कैसा लगा जरूर बोलना. टाटा मोटर्स की तो बात ही अलग है, मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर कुछ वीडियोस बनाए हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आई बटन में दे दूंगा, वो जरूर देख लेना. सो गाइज नाउ डोंट वेस्ट योर टाइम एंड इन्वेस्ट इन टाटा मोटर्स शेयर, बिकॉज दे आर कमिंग अप विथ or they have already registered with their another division for electric vehicle, that is TPEML, Tata Passenger Electric Mobility, jiska market share capital hoga 700 crores. So guys, thank you so much for watching this video till the end. Please like the video and subscribe to the channel for latest updates. Milenge next video mein. Jai Hind.